असम के तिनसुकिया ज़िले में नशे के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति बढ़ती जा रही है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा असम अरुणाचल सीमावर्ती क्षेत्र के साथ तिनसुकिया ज़िले के विभिन्न शहरों में नशे की लत बढ़ती हुई देखी जा रही है। सरकारी रिपोर्ट भी यही बताते हैं। और इसी के बीच तिनसुकिया में एक नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है नौतुन जीवन के नाम से, और आज इसका शुभ उद्घाटन हुआ है। शुभ उद्घाटन में सत्ताधिकार मुनमुन देव महंतो, धन महंतो, समाजकर्मी परवीन दत्त, तिनसुकिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष काजल गोहाई, तिनसुकिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल तालुकदार के अलावे विभिन्न समाजकर्मी यहाँ उपस्थित थे। और यह नशा मुक्ति केंद्र पूरी तरह से आध्यात्मिक तौर पर यहाँ चिकित्सा की जाएगी, और यह जो चिकित्सा पद्धति है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे इसे जिसने खोला है अशोक घोषाल जी से। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपने बहुत ही नई चिंताधारा के साथ इस नशा मुक्ति केंद्र को खोला है, इसमें कौन कौन सी खासियत है, क्या क्या खासियत है जो अन्य नशा मुक्ति केंद्रों में नहीं है? थैंक यू कृष्णा सर, आपने यह बात पूछा। एक्चुअली मैंने जब तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, बोंगाईगांव, गुवाहाटी सारे जो नशा मुक्ति भवन है मैं उसको जब देखा था, और उसमें जाकर मैंने ये चीज़ देखा कि वहाँ पे जो अभी आप सोचोगे भी कि ऑलमोस्ट नशा मुक्ति केंद्र बोलते ही क्या होता है कि सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि वो जेल है, वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है, वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, पानी गंदा दिया जाता है, खाना गंदा दिया जाता है, और वो नशा किया मतलब वो बहुत बड़ा पाप किया तो उसको अंदर भी रखना पड़ेगा। यहाँ पर वो चीज़ पूरी अलग है। यहाँ पर कैसा है कि अब तो एक पूरी साफ़ सफाई, सही तरीके से साफ सफाई, पानी और एक स्वच्छता के ऊपर पूरी ध्यान दिया गया है, जिसके बारे में जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर है जो पीयूष हजारी का, उन्होंने हर जगह में इंक्वायरी करके देख रहे हैं। तो हमारे वाले में पूरी की पूरी साफ सफाई है, और साथ में कि बंद करके रखने वाली बात नहीं है। इनको मेडिटेशन, इनको प्रॉपर योगा, और इनको जो सही शिक्षा होती है, जो आध्यात्मिक जो सोच है वो हम प्रदान करते हैं। जैसे कि आपको जो हमारी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया पावर योगा करवाने के लिए। मैं खुद योगा करवाना, मेडिटेशन करवाना, और साथ में उनके साथ जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है, सपोज दैट वॉलीबॉल, बैडमिंटन, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, और साथ में हमारे पास जो ट्रीटमेंट के जो सही थेरेपी है वो पूरी मेरे पास है, वो कहीं पे भी नहीं है। वो हम उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि कोलोन हाइड्रोथेरेपी, मतलब क्या जो भी ड्रग्स लेते हो, जो भी आप ड्रिंक्स लेते हो, उसमें क्या कोलोन जो होती है ना उसको पूरी की पूरी हम वॉश करवाते हैं। जो बड़ी वाली आँत है 5.5 मीटर लंबा, उस 5.5 मीटर लंबे वाली पूरी आँत को हम साफ करते हैं, और उस स्क्रीन में देख सकता है कि मैंने क्या क्या खाया था, क्या क्या गंदा चीज़ लिया था, तो उसे पता लगता है कि मुझे ये चीज़ लेना नहीं है दोबारा। हमारे पास और एक प्रोडक्ट है जिसको शिरोधारा, जो कि थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, उसको हम ऑन करते हैं, उसमें धारा डालते हैं, चंदन, तुलसी और सारी चीज़ों की, जड़ी बूटी की, उसमें क्या होता है कि इसको शरीर के अंदर में पॉजिटिविटी आती है। पूरी तरह से आयुर्वेदिक, पूरी आयुर्वेदिक एंड पूरी प्राकृतिक, द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको इस तरीके का प्राकृतिक चिकित्सालय, नशा मुक्ति केंद्र कहीं नहीं है। ये हमने एक प्रयास किया और देखते हैं कहाँ तक होता है। धन्यवाद, थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना कि यह जो नशा मुक्ति केंद्र है यहाँ पूरी तरह से आध्यात्मिक, प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक तरीके से नशा की लत छुड़वाने की चेष्टा की जाएगी, सही ढंग से यहाँ चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाएगी। आज इसका शुभ उद्घाटन हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम अतिथिगण बैठे हैं मंच पर, ये जो कार्यक्रम है चल रहा है, यहाँ तमाम अतिथिगण बैठे हैं, और यह নেশামুক্ত কেন্দ্র রংপুরিয়া পঞ্চায়েতর অন্তর্গত নরসিং গাঁও নিজের
प्रचेषा अनुष्ठान आज शुभ उत्तर कारण आम निमंत्रण करना आम सत्ताधिकार स्वामीदेव तहत अनुष्ठान आसन ग्रहण कर अनुष्ठान परियाल एखन चेलेंज हिसाब सम्बोधना जानसे आमार मजद सीमांत ठाकुरिया डावरिया सुशांत कारण अनुरोध जानसो ग्रहण करुषान केन्द्रटर दादी और इतना जिस ग्रहण कर पे ऊर चुबरिया जी एट सन्ता सृष्टि कर বিশেষভাবে পরিয়ালসমূহক ধ্বংসর মুখলৈ নিয়াত প্রেরণা যোগাইছে তেওঁলোকক এই সেন্টারটোই যথেষ্ট সহায় দিব বলে আশা করছো। আকাশ ঘোষাল আকাশ মানে আপনার কবলে নালাগে আমি অসমীয়া আকাশ হিন্দিত আকাশ এখন বিশাল গতিকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড খনকে আকাশ অর্থাৎ নেদেখা এজন আছে সেই নেদেখার কীজন বলে ধরে যদি আমি লওঁ সরকে তেতিয়াহলে ইয়াত যিসকল ব্যক্তি নিশা গ্রহণ করা ব্যক্তি ইয়াত আহি আহিব তেওঁলোকক নিশ্চয় তেওঁলোকর যিটো আদর্শ নীতি সেই আদর্শ নীতিৰে নি পেলাই যদি সুস্থ পথত আনিব পাৰে তেতিয়াহলে আমি আশা করিম যে তেওঁ সফল হৈছে আৰু নিশ্চয় সফল হব। उद्घाटन समारोह की समाप्ति हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम जो अतिथि आए थे अतिथि अभी प्रदर्शन करने वाले हैं। हम चलते हैं सीधे तिनसुकिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष यहाँ काजल गोहाई हैं की कब आज केन्द्र उद्घोषण कर तिनसुकिया तो आप देखी से नशा कैने का बढ़िया से डॉक्टर सेवन खूब बढ़िया से निशा मुक्ति जी केन्द्र नतून जीवन जी आकाश घोषाले आज आनुष्ठानिकभावे शुभ उद्धनि करिले आज मैं सुखी और आम तीनचुकियाबी राइजे सुखी एनेकुवा केन्द्र आम बहुत प्रयोजन आए मैं तहतक कैसो जो आम एट पर्याय आयुर्वेदिक प्राकृतिक भावे आम दर खुआ भल कि आम स्पेसियल किसान आम आध्यात्मिक चिंता चर्चा आम तक रोध कर पारिम सम्पूर्णभवे অন্যথা অকলে আজি দৰব খাব আজি ভাল হ'ব আকৌ খাব আমি তেখেতক কৈছোঁ যে তেখেতে আৰু আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাৰে মানৱ শৰীৰটো কি সেইটো বাবে সেইটো কাৰণেও আপুনি তেখেতে বুজাই দিব পৰাকৈ কিছুমান আধ্যাত্মিক পাদৰ যি চিন্তা চৰ্চা কৰা ব্যক্তিসকল আছে প্ৰভুসকল আছে গুৰুসায়সকল আছে তেখেতসকলক আনিও যি এইটো মানৱৰ শৰীৰটোৰ বিষয়ে যাতে অৱগত কৰে কি মানৱ সেই বস্তুটো যদি অৱগত কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সমাজখন ভাল হ'ব। আৰু আমি আশাবাদী যে আমি কোনো আশা নকৰোঁ একচুৱেলি ড্ৰাগছ বা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ এটা হওক বুলি আমি আশা নকৰোঁ যিহেতু আমাৰ সমাজখনক আমি সদায় ভাল ভাবোঁ যে ইয়াত অনাটো নিবিচাৰোঁ নহাকৈ যদি ভালে বাহিৰে বাহিৰে ভাল হৈ যায় ভাল কিন্তু যিবিলাক আছে যিবিলাকক ধৰি লওক বহুত হৈছেগৈ তেখেতসকলে নাজানি নুশুনি তেখেতসকলে যিবিলাক মানে আজি মাদক দ্ৰব্যৰ প্ৰতি নিচাসক্তি হৈ বিভিন্ন অপকৰ্মত লিপ্ত হৈছে তেখেতসকলক আমি ইয়াত আমি ভাবিছোঁ যে আশা ৰাখিছোঁ যে আকাশ ঘোষাল এটা সুন্দৰ নতুন জীৱন দিব। ধন্যবাদ। देख रहे हैं कि जो अतिथि हैं यहाँ सारे अतिथि यहाँ उपस्थित हैं और तिनसुकिया SBI के वरिष्ठ अधिकारी कृष्णा जी ठाकुर हैं जो अभी अभी उद्घाटन समारोह में थे। एक नई सोच के साथ आकाश घोष जो आपके पुराने मित्र हैं उन्होंने एक नया चीज़ खोला है, क्या बोलेंगे इनके बारे में? तो मैंने अपने भाषण में भी बोला कि ये हमेशा नई नई चीज़ें इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं
तो ये मुझे लगता है कि उनकी सोच का यही नमूना है कि फ्यूचर में ये क्या सोचते हैं, और इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इनके पास है। तो मैं आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य से इसको खोला गया है, भगवान उन्हें सफलता प्रदान करें। और ये समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है जिसके निवारण के लिए ये पहला कदम है आकाश घोषाल की तरफ से। तो मैं उनको और उनके पूरे परिवार को अपनी आंतरिक शुभकामनाएँ देता हूँ। ये निशा पड़ी आसे जिसके निशार प्रति आसक्त हो जाते आज अनुष्ठान जुगे तकलोक जाते मुक्त है तारे मैं एकांत तिनिचुकिया जिलार हो श्री श्री आदर्श सत्र फल आंतरिक अभिनंदन जानसो। धन्यवाद। तिनिचुकियार समष्टिर अंतर्गत रंगपुरिया पंचायत नरसिंह गाँव नतुन जीवन निशामुक्त केन्द्र आकाश भोसल डांगरिया इत स्थापन कर उलिया से तार बाबे आमी ऊसर सुबिया हिसाबे तेखेतक आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिछो। आरु तिनिचुकिया बाखी लगते अहोमर विभिन्न प्रांतर जी हकल निशा मुक्त होइसे जी हकले भांग ड्रग्स हेबन करी तेउनके घरखनर अशांति सृष्टि करिसे बा समाजखनक अशांति करिसे तेने हकलक एक केन्द्रलै आनी निशा मुक्त करिबर कारणे मैं समूह राइजक अनुरोध जानसो और भविष्य दिन में अनुष्ठानी और आग जाओक तारे कामना करूँ। धन्यवाद। पुरीत आसे आध्यात्मिक तौर पर प्राकृतिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा के तहत नतून जीवन नाम का जो यह नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है, जिसके बारे में इसके संचालक आकाश घोषाल ने जानकारी दी है कि यहाँ पूरी तरह से शुद्ध वातावरण में उन युवाओं को नशा मुक्त करवाने की चेष्टा की जाएगी जो नशा के प्रति आसक्त हैं। अभी अभी यहाँ उद्घाटन समारोह हो चुका है और हम भी ये कामना करते हैं कि आकाश घोषाल का यह प्रयास सफल रहे। कैमरा पर्सन सपना नेवार के साथ कृष्णा उपाध्याय, पीक न्यूज़, तिनिचुकिया।